दोस्तों चैनल के 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम में डिलीवर होते रहे। इसके साथ ही मेरे पास एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य। और आज बात करेंगे कि ये जो इंटरवेंशन सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, नहीं जिसको मैं इस वीडियो में अनाउंस करने वाला हूं, वो क्या है। बेसिकली इस चैनल का थीम जो है वो है लेट्स टॉक टेक। हमारे चैनल में हम टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और ये जो मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि मैं हर हफ्ते एक नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जितनी बार ऐसा कोई सब्सक्राइबर वाला गोल अटेन होता है ना, मेरा जो 100 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन मैंने बना रखा है, जितनी बार वो माइलस्टोन रीच होता है ना, उतनी बार मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी कमिटमेंट को और बेहतर तरीके से डिलीवर करूं। तो उसके लिए मैंने एक नई वीडियो सीरीज प्लान की है इंटरमिशन नाम से। बाकी यूट्यूबर्स क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं वेरियस चैनल से, ट्विटर से या कमेंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसको आंसर करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। मैंने इसी Q&A वीडियोस को नाम दिया है इंटरमिशन, क्योंकि चैनल का थीम जो है क्वेश्चन आंसर्स उससे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। और बेसिकली इसमें मैं वो क्वेश्चंस को आंसर करूंगा जिनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मैं आपको हमेशा कमेंट में कहता हूं कि आप क्या देखना चाहते हो आगे वो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो कमेंट्स में जो भी चीजें आप सजेस्ट करते हैं मुझे, मैं जनरली उन कोशिश करता हूं कि वीडियो बना के आपको दे दिया जाए उसके बारे में। और अगर ऐसा होता है कि कंटेंट कम है उस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए ऐसे कमेंट्स को इकट्ठा करके एक Q&A वीडियो बना दूंगा जिसे इंटरमिशन नाम दिया है मैंने। और इस तरह के जितने भी बीच बीच के वीडियो होते हैं, इंटरमिशन नाम क्यों दिया है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि जब कभी आप मूवीज देखने जाते हैं तो आपको पहले पूरे टाइम मूवी दिखाई जाती है, फिर बीच में एक इंटरमिशन ब्रेक दिया जाता है ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर पाएं, आपका जो थीम चल रहा था मूवी का उससे अलग हटके कुछ सोच पाए, या मूवी को ही क्रिटिसाइज कर पाए या फिर मूवी को एनालाइज कर पाए। तो इंटरमिशन वही मौका देगा दोस्तों हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम वीकली डिस्कशन करते हैं उससे अलग अगर कोई डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे सजेशंस दीजिए और हम अपने Q&A वीडियो यानी कि इंटरमिशन वीडियोस में उसे जरूर फीचर करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ सवाल ले लेते हैं जो अभी तक अनआंसर्ड है पुराने वीडियो से। पहला था कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का फुल किसी ने मुझसे पूछा था कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का फुल रिव्यू करो। अब यार मैं फुल रिव्यू इसलिए नहीं कर पाया, एक ग्लिम्स वाला वीडियो आया था, अगर आपको याद हो चौथा वीडियो था वो चैनल के अंदर, तो एक ग्लिम्स वाला वीडियो आया था, उसके बाद फुल रिव्यू कभी नहीं आ पाया क्योंकि पिक्सल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रोम थी, वो OTA ऑफर करती थी ओवर द एयर अपडेट्स, मतलब कि आप अपने फोन में ही डेटा कनेक्शन के थ्रू डाउनलोड करिए और फोन से ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा, PC से कनेक्ट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके साथ दिक्कत ये थी कि जितनी बार मैंने OTA अपडेट्स ली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था, और जनरली बैक कैमरा ही गड़बड़ होता था, वो फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स कर दिया गया था। पर फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था उस कमेंट को लिए हुए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के बजाय मैं इसे इंटरमिशन में एड्रेस कर दूंगा। तो पिक्सल एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छी रोम है अगर आप एंड्रॉइड पाई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पर मेरी समझ से स्टैटिक्स OS XDP ही अवेलेबल है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टैटिक्स OS एक बेटर रोम है, ज़्यादा स्टेबल, मैंने खुद यूज करके देखी 10-15 दिन, बस इसमें OTA अवेलेबल नहीं है, आपको ओवर द एयर अपडेट नहीं मिलेगी, आपको zip फाइल डाउनलोड करनी होगी और अपनी रिकवरी से डर्टी फ्लैश करना होगा, मतलब फ्लैश करना होगा सिंपली अपने फोन में। तो स्टैटिक्स OS में OTA अवेलेबल नहीं है, पर ये काफी स्टेबल रोम है पिक्सल एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में। आपको गूगल ऐप्स अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पिक्सल एक्सपीरियंस में गूगल ऐप्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, उसमें प्री बिल्ड है गूगल ऐप्स, तो ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा। अगर आपको एंड्रॉइड पर एक्सपीरियंस करना है तो स्टैटिक्स OS बहुत अच्छा है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और बैटरी लाइफ चाहिए अपने फोन से, तो लीनेज OS बहुत अच्छा OS है, बहुत अच्छा रोम है, क्योंकि लीनेज OS में मुझे सबसे बढ़िया बैटरी लाइफ मिली है और मेरा फोन काफ़ी ठंडा ऑपरेट करता है। अभी फिलहाल मैं स्टॉक पे वापस आ गया हूँ क्योंकि मैं स्टैटिक्स OS एक्सपीरियंस कर रहा था, 10-15 दिन एक्सपीरियंस करने के बाद मैं वापस स्टॉक पे आ गया हूँ, क्योंकि स्टॉक मुझे काफ़ी स्टेबल लगता है। तो अगर आपको एंड्रॉइड भी एक्सपीरियंस करना है स्टैटिक्स OS, अगर आपको स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करनी है लीनेज OS, अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो स्टॉक। ओके, दूसरा एक सवाल जो अनआंसर्ड था वो था कि किसी ने मुझे पूछा था कि बूटलोडर अनलॉकिंग क्या मैं रिमोट पे PC लेके कर सकता हूँ। तो यार कर तो सकते हैं, करना तो कुछ भी कर सकते हैं, रिमोट कनेक्शन दे दो अपने PC का, मैं बूटलोडर अनलॉक कर दूंगा। पर बूटलोडर अनलॉकिंग वगैरह, कस्टम रोम फ्लैश करने वगैरह में एक सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व होता है, और मैंने अपने कस्टम रोम के वीडियोज में भी, अपने प्रीवियस वीडियोज में भी ये बोला है कि अगर आप रिस्क के बारे में, अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, तो प्लीज मत करो कस्टम रोम इंस्टॉल करने का काम या फिर बूटलोडर अनलॉकिंग का। अगर आप वो रिस्क जो इन्वॉल्व है उसे नहीं झेल सकते, उसे मिटिगेट नहीं कर सकते, तो प्लीज कस्टम रोम इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉक रोम इज वेरी गुड,
बहुत स्टेबल एक्सपीरियंस ऑफर करता है और आपके फोन का फुल पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज करने का भी ऑफर करता है आपको इस टॉप रोम। आखिरी बात करते हैं, इससे पहले जब भी मुझे ऐसे खुशी होती है जब हमारे सब्सक्राइबर काउंट किसी माइलस्टोन पे रीच करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ गिव अवे दूँ। तो एक्सो सिंचन नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे हेडर है, मैं वहाँ पे थोड़ा एक्टिव हूँ, इमेजेस वगैरह वहाँ पे बहुत सारे देता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको एक वॉलपेपर, डेस्कटॉप वॉलपेपर दिया था यूट्यूब के कॉमेंट्स के जरिए ही, एक लिंक शेयर किया था। तो मैं सोचा था क्यों ना आपको फोन के वॉलपेपर गिव अवे कर दूँ, क्योंकि अभी चैनल की इकोनॉमी कुछ ऐसी है कि आपको कोई हार्डवेयर वगैरह फोन वगैरह या कुछ भी गिव अवे नहीं किया जा सकता है। अभी तो मैं सिर्फ अपनी मेहनत से बनाया हुआ कोई वॉलपेपर वगैरह आपको गिव अवे कर सकता हूँ। तो जस्ट गिव मी लीव सजेशंस ऑन योर कमेंट्स कि आपको गिव अवे में कोई वॉलपेपर वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट्स में मुझे बताइए। फिलहाल मैं एक वॉलपेपर डाल देता हूँ, अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसे वॉलपेपर्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में, फैलाइए जानकारी अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर डिलीवर होते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।